तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजर मैनेजमेंट, क्लाइंट मैनेजमेंट एंड जनरल। ओके, सो सबसे पहले हम लोग हर एक चीज के बारे में छोटा छोटा ब्रीफ देखेंगे कि हर एक चीजों को आप किस तरीके से सुविध में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे यूजर को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, यूजर बनाने का क्या क्या आपको बेनिफिट होगा। ओके, प्लस क्लाइंट, जो क्लाइंट मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे, क्लाइंट को आप किस तरीके से आपके सुविध पोर्टल में मैनेज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सुविध अकाउंटिंग ऑटोमेशन, आपका इस वेबिनार में स्वागत है। सो टुडेज वेबिनार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज क्लाइंट मैनेजमेंट, व्हाट इज जनरल एंट्रीज। ओके, जनरल एंट्रीज को आप किस तरीके से सुविध से भेज सकते हैं, प्लस आप किस तरीके से यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज क्लाइंट मैनेजमेंट। क्लाइंट मैनेजमेंट हम लोग ने कॉन्सेप्ट इसलिए इधर पे लाया हुआ है क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि जो सी ए टैक्स कंसल्टेंट उनके पास काफी क्लाइंट्स होते हैं जो काफी बल्क में एंट्रीज करते हैं। ओके, सो जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है, जो एंड मतलब जो भी सी ए है उनके तक जो आता है डॉक्यूमेंट वाया मेल, वाया व्हाट्सएप, ओके, या जिस भी सोर्स से डेटा आता है, तो वो डॉक्यूमेंट को जब आप कलेक्ट करते हो तो उसको एक जगह आपको स्टोर करना पड़ता है, फिर आप उसको उसके बाद प्रोसेस करके काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सुविधा में क्या होता है, हम लोग ने क्लाइंट मैनेजमेंट लाया हुआ है जहाँ पे आप डायरेक्टली ना क्लाइंट की आईडी बना के क्लाइंट को ही बोल सकते हो कि आप डॉक्यूमेंट डायरेक्टली अपलोड कर दो सुविधा पोर्टल पे। ठीक है, मीन्स एक सिस्टमेटिक तरीके से डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है। ओके, सो ये होगा अपना क्लाइंट मैनेजमेंट। दूसरा है हमारा यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट एक्सेस इसलिए बनाया हुआ है हम लोग ने कि एक टीम में काफी सारे यूजर्स होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ड्यूरिंग जो भी परफॉर्म करते हैं वो टैली में। जैसे कि अगर लेट्स से कि आपके पास 10 अकाउंटेंट्स हैं, ओके, जो फर्स्ट 5 अकाउंटेंट्स हैं जो बैंकिंग कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप उनको काम असाइन कर सकते हो। इवन आप जैसे कि आपका लॉट्स ऑफ वर्क होता है जैसे कि सेल्स परचेज का, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको रोल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, मीन्स आपको बैंकिंग करना है, सेल्स करना है, परचेज करना है, इवन आप पर्टिकुलर कंपनीज उनको असाइन करना है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हम यूजर मैनेजमेंट देखेंगे। जनरल वाउचर जो है हमारा, वो भी रिसेंटली हमारा जो लॉन्च हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे उनके नीड के अकॉर्डिंगली ये अभी आया हुआ है हमारे पास सॉफ्टवेयर। ओके, सो ये भी हम लोग ने एडअप किया हुआ है इसके अंदर। ओके, सो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हर एक चीज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपके सुविधा के अंदर। ओके, तो साइन इन कर लेते हैं हम लोग। आपको यहाँ सेटिंग में ना यूजर मैनेजमेंट मिल जाएगा। फर्स्ट हम लोग यूजर मैनेजमेंट देख लेते हैं। ओके, सो जैसा आपका पैकेज होगा, मीन्स जितने कंपनीज के आपने परचेज किया है उसके अकॉर्डिंगली आपके यूजर्स की क्रेडिट्स आपको मिलती है। ओके, सो इधर हमारे पास दो क्रेडिट है, तो इसमें दो तरीके के अकाउंट्स क्रिएट होंगे। एक होगा प्राइमरी अकाउंट, दूसरा होगा सेकेंडरी अकाउंट। ओके, सो प्राइमरी अकाउंट तो मेन अकाउंट रहेगा जिससे आपने सॉल्यूशन परचेज किया हुआ था। सेकेंडरी अकाउंट जो आपके यूजर्स के लिए आप बनाएंगे वो सेकेंडरी अकाउंट होगा। ओके, सो ये सब हम लोग ने ऑप्शंस इसलिए रखा हुआ है ताकि जो भी आपके यहाँ एडमिन हो या जो भी आपके यहाँ जो मेन पर्सन होते हैं वो काम को असाइन कर सके अकॉर्डिंग टू देयर जॉब रोल्स। ओके, सो लेट्स से हम लोग यहाँ पे एक यूजर बनाते हैं, एड यूजर में आते हैं। ओके, यहाँ पे आप यूजर का नेम, आईडी, पासवर्ड आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेम आईडी डाल देते हैं। लेट्स से मैं एक यूजर बनाता हूँ, कार्तिक कुमार। ओके, सो अगर आपके पास कोई मेल आईडी है तो मेल आईडी आप यहाँ पे उनका डाल दीजिए। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेल आईडी मोबाइल नंबर ऑलरेडी जो बना हुआ है वैसा नहीं रहना चाहिए। मीन्स जो आईडी आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उससे अलग रहेगी, सेम नहीं रहनी चाहिए। ओके, ओके, यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर आ जाएगा जो भी आपका यूजर है उनका मोबाइल नंबर। सो ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पे एक पासवर्ड रख देते हैं हम लोग। ठीक है, ये पासवर्ड हम लोग रख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है असाइन रोल।
असाइन रोल मीन्स कि आपके यूजर को क्या वर्क करना है उसके लिए हम लोग यहाँ पे रोल्स बनाएंगे, ठीक है। रोल्स क्रिएट करने के लिए आपको इस प्लस बटन पे क्लिक करना है, ये आपको डायरेक्टली एक स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करेगा। अब वहां से आप है ना आपके यूजर्स के लिए रोल्स बना सकते हैं कि लेट्स से कि आपका यूजर बैंकिंग कर तो बैंकिंग का रोल दीजिए, सेल्स करता है तो सेल्स का रोल दीजिए, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे कार्तिक का एक रोल बना देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मेरे जो यूजर्स हैं उनको मैं फुली एक्सेस दूंगा, ठीक है। जो ऑप्शन मैं नहीं दूंगा वो उनको नहीं आएगा उनके स्क्रीन पे, ठीक है। ये हमारा हो गया क्रिएट रोल, इसको क्रिएट रोल कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक रोल डिफाइन हो गया कि हमारा यूजर क्या काम करता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको रोल से असाइन कर दिया। क्रिएट रोल करेंगे, बैक टू स्क्रीन आएंगे, यहाँ पे असाइन रोल में यहाँ पे आप करना है रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करने से क्या होगा, जो रोल आपने क्रिएट किया था वो आ जाएगा। अब यहाँ पे कंपनीज आएंगी, ठीक है। लेट से आपका आपका जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आप कंपनी सब्सक्राइब करते हैं ना, वो सारी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड होती है। आपकी जो भी कंपनी आप ऐड करेंगे ना वो कंपनी उस यूजर को असाइन होगी, ठीक है। अगर सारी कंपनी असाइन करनी है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, ओके। तो मैं अभी के लिए सारी कंपनीज ही देना चाहता हूँ, उसको मैं ऐड यूजर कर दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड आ गया है। अब मैं आपको उसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। एक न्यू टैब में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आईडी डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे साइन इन करेंगे सेम यही आईडी उनको भी मिल जाएगी, ओके। अगर आप रोल चेंजेस करते हैं वेलकम स्क्रीन आ जाएगा, ओके। मीन्स एक ही प्रोफाइल से, मीन्स जैसे कि आपने जो आईडी से परचेस किया ये सेकेंडरी आईडी लॉगिन होगी। मीन्स आपको साथ में साइमल्टेनियसली काम करना है तो आप यूजर्स बना लीजिए, उससे क्या साइमल्टेनियसली आपका वर्क हो जाएगा, ओके। इसमें भी सारे प्रोसेस, बस इसमें एक ऑप्शन नहीं रहेगा जो होगा अपना ऐड कंपनी का, ठीक है। अगर कोई आप कंपनी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कांटेक्ट आपके प्राइमरी यूजर को ही करना पड़ेगा, ओके। तो यूजर को खाली पूरा वर्क करने का इधर पर राइट्स है, ऐड कंपनी का सिर्फ आपके जो प्राइमरी यूजर है उनको ही रहेगा, ओके, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा क्लाइंट मैनेजमेंट, ओके। क्लाइंट मैनेजमेंट ऑप्शन हम लोग ने इसलिए रखा हुआ है ताकि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके क्लाइंट से डॉक्यूमेंट यहाँ पे मंगा पाए, ठीक है। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट होता है, सेल्स परचेज होता है, ठीक है। तो इसमें भी जैसे आपने यूजर बनाया है उसी तरीके से यहाँ पे क्लाइंट्स बनता है। तो क्लाइंट के लिए भी सिंपली आपको ऐड क्लाइंट में आना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लाइंट का नेम डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे एक मेरे क्लाइंट है उनके लिए मैं बना देता हूँ आईडी, यहाँ पे एक नंबर डाल देता है कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी रोल्स होता है, रोल्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम लोग प्लस पे क्लिक करके, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सिलेक्ट टाइप में आपको लेना है क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट को सिर्फ इतने परमिशन ही मिलते हैं, जैसे आपका क्लाइंट सिर्फ बैंकिंग करता है तो आप बैंकिंग का एक्सेस दीजिए, सेल्स करता है सेल्स का एक्सेस, परचेज करता है, ठीक है। लेट्स से मैं इसको बैंकिंग देता हूँ और मेरे जो क्लाइंट है उनका नाम यहाँ पे लिख दिया, क्रिएट कर देते हैं, ओके। एक न्यू टैब में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट का रोल आ गया, यहाँ पे उनकी जो भी कंपनी आप उन्हें असाइन कर दीजिए, ठीक है। लेट्स से ये कंपनी है उनको आपने असाइन कर दी, ठीक है। या जो भी कंपनी है आपको असाइन कर दीजिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, आपको करना क्या है, क्लाइंट को ये आईडी दे देनी है। क्लाइंट क्या करेगा, अपने स्क्रीन पे चला जाएगा, जो भी ब्राउजर है वो ओपन करेगा, सेम उसी वेबसाइट पे जाएगा, साइन इन करेगा, वो हमारा क्रिएट हुआ था यूजर वाला सॉरी क्लाइंट वाला आईडी वो डाल देते हैं, साइन इन कर लेंगे, ओके। जैसे आप साइन इन करेंगे, क्लाइंट जिस तरीके से साइन इन करेगा उसको यहाँ पे दिख जाएगा पूरा, जो भी एक्सेस आपने बैंकिंग का एक्सेस दिया था बैंकिंग वाला इधर पे मिल गया उसको। अब वो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेगा, यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करेगा, जो भी बैंक है, ठीक है। मतलब वो बैंक के जो कंपनी उसके सारे लेजर्स होते हैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे जो भी फाइल है वो अपलोड कर लेगा, ओके। तो लेट्स से ये स्टेटमेंट है, इसे क्लाइंट ने अपलोड किया, ठीक है। मीन्स क्लाइंट ने यहाँ पे अपलोड किया, अब वो डायरेक्टली आपके पोर्टल पे आ जाएगा। आप यहाँ बैंकिंग
मॉड्यूल जिसमें भी काम कर रहे हैं, आप आ जाइए। ठीक है, ये देखिए प्रोसेसिंग में चला गया। मीन्स सिस्टमेटिक तरीके से आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे मंगा सकते हैं। ओके, इवन यहाँ पे हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप क्लाइंट को बोल सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, उनकी आईडी साइन इन करके वहाँ से भी वो अपलोड करेंगे, वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो मोबाइल से भी आपका यहीं पर वर्क हो जाएगा। ओके, ये था हमारा क्लाइंट मैनेजमेंट। ओके, जहाँ पर आप कोई भी रिकॉर्ड्स, आपको सुविध बैंकिंग के या टेली के रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मंगाना है तो आप इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप उसे मंगा सकते हैं। ओके, क्लाइंट मैनेजमेंट, किसी को भी कुछ क्वेरी है यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन चैट। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है जनरल। ठीक है, जनरल एंट्रीज जो यहाँ है हमारी। ओके, अकॉर्डिंग टू जितने हमारे कस्टमर्स थे उनका डिमांड था कि हम जनरल ऑप्शन भी लाए जहाँ पर वो बल्क में एंट्रीज अपलोड कर सके। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने जनरल लॉन्च किया है, वो बेसिकली एक्सेल के थ्रू आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, ये होगा कैसे ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड सैंपल में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सैंपल डाउनलोड होगी। ओके, इस तरीके की सैंपल होती है, कोई फिक्स नहीं कि यही सैंपल आपको चलानी है, आपके पास भी कोई सैंपल है ठीक है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसा है ना कि आपको पता ही होगा कि जनरल में बेसिकली एक अमाउंट डेबिट होती है तो एक अमाउंट क्रेडिट होती है। मैंने इसी तरीके की शीट मैंने प्रिपेयर की हुई है। ठीक है, मोस्टली हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा वो इतना ही है, बाकी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पे फील्ड दी हुई है। ठीक है, अब जनरल के लिए मैंने एक शीट ऑलरेडी यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं हम लोग, स्टेटमेंट। ओके, ये हमारे पास रेडी है ऑलरेडी। ओके, जिसमें हमारे पास जनरल नंबर है, रेफरेंस नंबर है, डेट है। ओके, कॉस्ट सेंटर नहीं है, पर्टिकुलर्स है, डेबिट है, क्रेडिट है, अमाउंट है। ओके, इस तरीके की शीट अगर आपको प्रोसेस करनी है तो सिंपली इसे अपलोड करना है, अपलोड पे कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए, फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन एंड अपलोड। ठीक है, कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो शीट आई है ठीक है ये हम लोग ने इस तरीके से रेडी की है। एक्चुअली अलग अलग तरीके की शीट आती है, जैसे मैं आपको बता दूं, इसे हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। ओके, हमें इस तरीके की भी शीट आ सकती है, उसमें कुछ करना नहीं है। अगर हमारे पास क्रेडिट अमाउंट है तो इसे ही हमें सेम कॉपी पेस्ट कर देना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो एक डेबिट हो रहा है, दूसरा हमारा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको डेबिट कर देंगे, सेम कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर नेम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे सुविध डाल देता हूँ। ओके, ये हो गया। अब इसे हमें अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, यहाँ पे शॉर्ट में आ जाइए, शॉर्ट ए टू जेड करिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको शॉर्ट ए टू जेड करेंगे ये पूरा एक सीक्वेंस में आ जाएगा। ओके, जो हम लोग ने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे करना होगा उसका मैपिंग आपको। ठीक है, जैसे जनरल नंबर में आपका आ जाएगा जनरल नंबर, रेफरेंस नंबर में आ जाएगा रेफरेंस नंबर, डेट में आ जाएगा डेट। ओके, पर्टिकुलर में आएगा पर्टिकुलर। ओके, डेबिट क्रेडिट में डेबिट क्रेडिट, अमाउंट में अमाउंट। ओके, बाकी का डाउन साइड होगा या एड अदर में आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अमाउंट। ठीक है, ये अलग तरीके की शीट होती है, उस तरीके के लिए होता है। अगर आपको और कुछ ऐड करना है इसको सेव एंड प्रोसीड करिए। ठीक है,
यहाँ पे हमारे कुछ इस तरीके से ट्रांजेक्शन का पेज आ जाएगा। ओके, इसे सेव करिए और इसे यहाँ से सेंड कर दीजिए, ये फिर टैली में चला जाएगा। ट्रांजेक्शन हो रहा है। ओके, एंट्री पुश हो गई है, हम लोग चेक कर लेते हैं टैली में। ओके जी, लेट्स से यहाँ पे डेट देख लेते हैं। तो हमारा पहला जो ट्रांजेक्शन था उसका डेट था 10 तारीख, ठीक है, तो हम लोग 10 का फिल्टर लगा देते हैं मार्च में। दस तीन 2023 एंटर करेंगे। हाँ, कुछ एंट्रीज मैंने पहले भी की थी, वो भी है इसमें, ठीक है। आप एंट्री में जाइए, कुछ इस तरीके से आपको एंट्री विजिबल हो जाएगी, ठीक है। दूसरी हमें इस तरीके की शीट आती है जो मैंने सेकंड में रखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से शीट आई, इस तरीके की शीट को भी आप इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे राइट में आ जाइए, इसमें सेव, ठीक है। इसमें मुझे, मैंने दिया जनरल नंबर, रेफरेंस नंबर दिया है, डेट दिया है, पर्टिकुलर दिया है, डेबिट दिया है, अमाउंट दिया है, ठीक है। तो मेरा SBI क्रेडिट हो रहा है, ओके, तो ऑब्वियसली मेरा एक लेजर जो होगा डेबिट होगा, ओके। सो इस तरीके की शीट को प्रोसेस करने के लिए अपलोड कर देते हैं, अपलोड क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमारी फाइल ओपन एंड अपलोड। ओके, कंप्लीट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग ने ऑलरेडी मैपिंग किया हुआ था, जनरल नंबर में, जनरल नंबर, रेफरेंस नंबर, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, ओके, अमाउंट, ठीक है। अब हमें मैप करना है अमाउंट 1, डेबिट क्रेडिट 1, ओके, और उसका लेजर। तो यहाँ पे ऐड अदर में आ जाइए, यहाँ पे आपका आएगा अमाउंट 1 जो ये फील्ड है, यहाँ पे आपका जो भी लेजर नेम है वो सेलेक्ट कर लीजिए, दूसरा है आपका डेबिट क्रेडिट 1, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके की शीट को इस तरीके से प्रोसेस करें। अब सेव एंड प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पर एंट्री आ गई कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसे हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। अब ये बता रहा है, प्लीज मेक श्योर द क्रेडिट एंड डेबिट अमाउंट सम शुड बी इक्वल टू द रेफरेंस नंबर 10, ठीक है। तो जो भी एंट्री में अगर डेबिट क्रेडिट अगर इक्वल नहीं होगा, उस तरीके से रेड में शो करेगा, ओके। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ से एडिट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फील्ड एडिटेबल है, इसको आप सेव कर दीजिए, ओके। यहाँ से आप सेंड कर देंगे टैली के अंदर, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस इसमें भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जनरल एंट्रीज कर सकते हैं, ओके। जनरल एंट्रीज में आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क प्लीज। आज का जो सेशन है आप लोग को उसमें कुछ समझ गया होगा, ओके। सो आप लोग कुछ भी क्वेरी है, यू कैन जस्ट ड्रॉप योर मैसेज इन चैट, वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्लाई यू। या जो वाउचर नंबर है वो नेसेसरी है, वो आप डालना ही पड़ेगा उसको। थाउजेंड्स ऑफ लेजर्स यू कैन सिलेक्ट बाय बल्क, ओके। और एल्स आप क्या कर सकते हो, जो लेजर नेम है आपके टैली में वो सेम लेजर नेम आप एक्सेल में कॉपी पेस्ट कर दीजिए, उस केस में आपको सिलेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली ही सब वहां पे मैप हो जाएगा। मल्टीपल एक्सपेंस पेड इन कैश, ओके, एड इन एक्सेल शीट, कैन वी अपलोड जीएसटी आर कोड टू बी रिपोर्टेड, यस यू कैन इम्पोर्ट, ओके, बट उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन रहेगा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं।